भारत एक त्योहारों का देश है, जहां हर त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका उदाहरण है बरसों पहले मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह, जिसका आज भी नाटकों में मंचन किया जाता है। ईदगाह कहानी हमें आज भी रोमांचित करती है। लेकिन कोरोना महामारी ने तो जैसे जिंदगी के सारे रंग ही छीन लिए हैं। हमने रंगों का त्यौहार होली भी महामारी के डर के साए में मनाया, वहीं आज कसरावद में ईद उल अजहा की त्यौहार भी बेहद सादगी के साथ मनाया गया। ईदगाह के बजाय लोगों ने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज़ अदा की। बच्चों ने भी जो साल भर ईदगाह जाने का सपना संजोते हैं, घर पर ही ईद की नमाज़ अदा की और अल्लाह से दुआ की कि जल्द से जल्द हम इस महामारी से निजात दिलाया जाए, ताकि हम फिर से ईद और दिवाली की खुशियाँ गले मिलकर हर्षोल्लास साथ मना सके। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।